सबसे पहले हम आज जिस स्थान पर हैं, ये स्थान का नाम है संगम, जहाँ पर गंगा यमुना तीनों सरस्वती तीनों नदियाँ यहीं पर मिलती हैं। ये आस्था कास्था के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न देशों से श्रद्धालु आए हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों से MP, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, बहुत सारे राज्यों से लोग चल करके आए हैं। यहाँ सिर्फ लोग डुबकी ही नहीं लगाते हैं, यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम वर्तमान में खड़े हैं, यही वही लोग कहते हैं कि यहीं पर तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, जिसका नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। बहुत सारे लोग यहाँ पर, हम थोड़ा जानना चाहेंगे यहाँ पर गंगा में नहाकर इनको कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बताइए आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए? मेरा नाम जयप्रकाश, मेरा डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद, जो कि मैं कुरांव से हूँ। ये बताइए जहाँ पर खड़े हैं कौन सा प्लेस और क्यों फेमस है प्लेस? क्योंकि यहाँ हमारा संगम बहुत पहले से फेमस है, और क्योंकि यहाँ सभी दूर दूर से लोग आते हैं नहाने। यहाँ कहा जाता है कि ये यहाँ से लोग नहाने के बाद इनकी जो स्तुति होती है सीधे स्वर्ग की प्राप्ति, या कितना सही है, आप कितना सही मानते हैं इसको? हाँ, लोग सही बोलते हैं। जहाँ यहाँ नहाने से क्या वाकई में लोगों की स्वर्ग की प्राप्ति होती है? होती है, तभी तो लोग आते हैं नहाने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जौनपुर से विकास मौर्य जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस लिए और क्यों आज के ही दिन स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। यस यस, थैंक यू। मेरा नाम विकास मौर्य है, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का यूपी का रहने वाला हूँ। आज सर्वप्रथम आपको बता दें, मौनी अमावस्या की पावन अवसर पर यह स्नान होता है, और आज बसंत पंचमी भी है, इसके भी अवसर पर लोग यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर स्नान करने के लिए आते हैं। और यहाँ की ये मानता है लोग, आज नहीं पुराने ज़माने से, अशोक सम्राट अशोक के समय से ही यहाँ की ये मानता है कि यहाँ लोग आते हैं तीर्थ स्थान पर, अपना स्थान का स्नान करने के बाद यहाँ दान दक्षिणा देते हैं, जितना भी कमाया हुआ सब धन है सब गरीबों में बांट के जाते हैं। इससे कहा जाता है कि स्वर्ग में पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वर्ग प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार कैमरा वहाँ से चाहेंगे, जहाँ तक आपकी पूरी निगाहें दिख रही है नदियाँ आके जा करके बनारस में, फिर गाजीपुर होते हुए जाते जाते, और कैमरामैन हमारे आयुष सहयोगी से हम कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करिए। जहाँ तक नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी भी विदेशों से आ करके गंगा यमुना तहजीब को देखने का प्रयास कर रही हैं। और ये जो संगम है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म जात समुदाय के लोग जुड़े हैं। लेटे हनुमान मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, और जो यही घाट है यहीं पर लोग देखने के लिए 100 कोस 125 कोस की दूरी तय करके लोग आते हैं कि गंगा में स्नान किया जाए, अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाई जाए। और हमारे साथ मैं राहुल, कैमरामैन आयुष के साथ इलाहाबाद।